डन चालू हो गया ठीक है डन चालू हो गया ठीक ओके सो Hello guys, welcome to study IQ. Okay? So let's wait for a minute, let other people join in. We'll start in a minute, okay? Yes. So just give me a minute, we'll start in a minute. Okay. Yes. So good evening to you all. Good evening, guys. Good evening to all. We'll start in a minute, guys. Okay? येस ओके सो जस्ट टेक अ मिनट गैप ऑफ अ मिनट विल स्टार्ट ओके दैट ऑल दीपल ऑल्सो जॉइन इन एंड फिर हम चालू करेंगे दोस्तों ठीक है ठीक है ओके सो हेलो ऑल वेलकम टू स्टडी आई क्यू तो दोस्तों चालू we'll करोगे okay, so so, सबसे पहले तो एनसीआर टी तो तो, का इम्पोर्टेंस क्या है इन द प्रिपरेशन तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा दोस्तों देन यू माइट बी नोइंग कि मैंने हमेशा एनसीआर टी के ऊपर स्ट्रेस किया है इट्स नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री बट आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए पॉलिटी होगा इकोनॉमी होगा या फिर इवन साइंस होगा एनवायरमेंट होगा इवन ज्योग्राफी होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको है दैट कैन बी ट्रेस बैक टू दिन सी तो रफली आपको प्रिलम्स में हिस्ट्री देर आफ्टर पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक ज्योग्राफी एनवायरमेंट ये जो छह बेसिक सब्जेक्ट होते हैं रफली थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन जो है अक्रॉस दिस सिक्स सब्जेक्ट वो हमेशा एनसीआर से ही आते हैं द फाउंडेशन एनसीआरटी ओके इससे जो आपको डाटा मिलेगा

एज़ फार एज़ कंटेंट इज कंसर्न तो मैं आपको दो टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले तो मेरे पीपीटी का एक्सेस आपको मिल जाएगा सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल ठीक है पीपीटी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे सो इफ यू वांट टू हैव द पीपीटी पीपीटी के साथ आपको पढ़ना है देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ द पीपीटी फ्रॉम हियर जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दर आफ्टर यू कैन ज्वाइन इन एंड दर आफ्टर फिर एक दूसरे तरीके का फॉर्मेट भी है बेसिकली तो दिस इज रफली वी कैन से

एंडर आफ्टर सेकेंड थिंग आपको जो की वर्ड लगेंगे विच यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज इन योर मेन्स प्रिपरेशन ऑल्सो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो हिस्ट्री में रफली एक पकड़ के चलिए कि फिफ्टीन टू ट्वें ट्वेंटी मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको एंशंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर से ही आने वाले हैं एंडर आफ्टर रफली पकड़ के चलिए कि कम से कम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एंशंट इंडिया से मेन्स में आने वाले हैं तो दोनों के लिए आपको फ़ायदा होगा एंड आई विल भी प्रोवाइडिंग यू बोथ दिस थिंग्स दैट इज़ पी एज वेल एज दिस पी डी एफ ओके और ये आपको कहाँ पे मिलेगी तो दिस इज समेट इन दिस टेलीग्राम चैनल ठीक है सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यू विल बी गेटिंग इट ओवर देयर ये ऑलरेडी लेक्चर के पहले ही अपलोड करवा दूंगा मैं तो लेक्चर के पहले पहले जैसे जैसे ये अपलोड होगा ठीक है तो वैसे वैसे आप इसको पहले ही डाउनलोड कर लीजिए एंडर आफ्टर यू कैन रीड ऑल्सो अलॉन्ग विदचर ठीक है lecture, तो एनसीआर इम्पोर्टेंट गाइस ठीक है सब

आज वाला सेशन है वो थोड़ा बड़ा चलेगा एक से डेढ़ घंटे में बट इसके बाद चैप्टर वाइज जाएंगे तो चैप्टर वाइज जब जाएंगे तो डेली बेसिस पे हार्डली थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का ही ये लेक्चर कंडक्ट होगा सो लेट्स स्टार्ट ओके स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कोई जेनरिक क्वेश्चन होंगे दैट यू वॉन्ट मी टू एड्रेस देन यू कैन कीप ऑन आस्किंग ओके आई डेफिनेटली टेक इट गाइज ओके सो चलो सो गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है ओके okay? एंड प्लीज़ नो टाइम पास ओके सिंपल अगर ज़्यादा टाइम पास अगर चैट पे होगा तो मैं आपके सवाल डेफिनेटली नहीं लूंगा आई डोंट लाइक दैट टाइम पास या फिर बकर वाला चीज़ ओके इट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द यूपीएससी एज वेल एज फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन तो आपका चैप्टर वाइज आई एम गोइंग टू कवर ठीक है वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम तो उसमें और ज़्यादा प्लीज़ खाली पेली का यहाँ वहाँ की बातें लिख के ओके चैट बॉक्स को बढ़ाओ मत ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू एड्रेस यूर डाउट्स प्लेस स्पेसिफिकली देन पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछो ओके okay? सिंपल

उसी से आपको शुरुआत करनी है ठीक है तो पहले आपको ओल्ड एनसीआर के ऊपर होल्ड लाना है और अगर ओल्ड एनसीआर पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ और करने की इच्छा है देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर रेफरेंस बुक ठीक है नहीं ये लाइव होंगे एज आईव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो टेकिंग मेजोरिटी ऑफ द सेशन लाइव रिकॉर्डेड नहीं होंगे ठीक है उस मॉडल आंसर का जो पीडीएफ है ओके, okay, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दिया था ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक बार देख लेना जल्दी क्यों बनाना है राइट right? सिंपल है वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है ठीक है तो मैंने एक वीडियो एमसीक्यू के ऊपर बना भी था टॉपिक वाइज एमसी ओके वो मैंने हार्डली एक दो हफ्ते पहले ही किया था वो वाला सेशन भी आई है टेकन लाइव तो जितने भी टॉपिक वाइज एनसी है एंशियंट इंडिया के वो तो मैंने पहले ही कवर अप कर लिया है जस्ट सर्च फॉर इट स्टडी आई क्यू हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एम सी क्यूज आपको मिल जाएगा आई हैव ऑलरेडी टेकन इट आर एस शर्मा इज नेसेसरी यार देखो अगर एंशियंट कर रहे हो तो वॉट आई विल सजेस्ट इज दैट कि न्यू एनसीआर से बेटर है ओल्ड एनसीआर बिकॉज ओल्ड एनसीआर टी का जो डाटा है वो ज्यादा है

मैंने लिए है सारे एंशियंट के टॉपिक वाइज लिए है ऊपर से टॉपिक वाइज का पी भी मैंने मेरे ग्रुप में अपलोड करवा दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट जाके सर्च कर लेना पिछले दो या तीन हफ्ते में यू विल गेट इट ओके आई हैड टेकन इट समवेर अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ लास्ट मंथ सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के अराउंड मैंने लिया था ठीक है यस yes. ना ना तमिलनाडु वाला एनसीआर बिल्कुल मत करना नॉट वर्थ इट बहुत सारा फैक्चुअल इनकरेक्टेडनेस है ओल्ड एन इज बेटर ठीक है सो so, चलो ठीक है सिंपल ना ना टेलीग्राम का सिर्फ चैनल ही है बेसिकली सो दिस इज द चैनल एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये पीपीटी प्लस जो हैंड पीडीएफ वाले जो नोट है वो दोनों आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में मिल जाएंगे सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब द ग्रुप एंड दर आफ्टर यू विल गेट इट ओवर देयर सो लेट्स मू ऑन टू द एंशंट इंडिया नाउ गाइज ठीक है वॉट एवर डाउट दट यू माइट भी हैविंग वो थोड़ा सा आप बीच बीच में देख लेना एनी टाइप ऑफ दी एग्जाम ठीक है नॉट ओनली यूपीएससी स्टेट पीसीएस सीएपीएफ के लिए भी है सीडीएस के लिए भी है सबके लिए आपको काम में आ जाएगा लेक्चर ओके सो लेट्स मूव देन गाइज वन बाय वन ठीक है ओके तो सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी तो बेसिक में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या होता है और सेंचुरी क्या होता है अब टाइमलाइन एंड सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट चीज है वाई टाइम लाइन एंड सेंचुरी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब आप पास्ट पढ़ोगे तो पास्ट में कुछ डेट्स भी तो इम्पोर्टेंट होती है कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी डानेसिटी आई कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा राजा आया सो दैट्स व टाइम लाइन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट सो लेट स्टार्ट विद द टाइम लाइन इट सेल्फ ठीक है सबसे पहले ओके सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम लाइन जब यह आपने सुना है वॉट इज ग्रेगेरियन कैलेंडर एंड वॉट इज शका कैलेंडर हैव यूवर हर डिस्टर्म्स ठीक है एक होता है आपका ग्रिगरियन कैलेंडर और एक आपका होता है शकास कैलेंडर सिंपली शका कैलेंडर जो है इसको हिंदू कैलेंडर भी कंसिडर किया जाता है और इसके मंथ भी आपने सुने होंगे जैसे चैत्र है आफ्टर वैशाख ज्येष्ठ श्रावण ऐसे लेके फाल्गुन तक जो ट्वेल्व मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर है इसको आप शका कैलेंडर बोलोगे तो वैसे ही एक इंग्लिश कैलेंडर भी है दैट इज़ बेसिकली अ ग्रेगेरियन कैलेंडर तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है वो जैन से लेके दिसंबर तक आपका होता है एंड एज पर दिस इंग्लिश कैलेंडर अभी चल रहा है आपका सेकेंड नवम्बर टू तो मतलब टू थाउजेंड एंड ईयर अभी चल रहा है बट आप ही सोचिए कि अगर टू थाउजेंड एंड ईयर अभी है तो इसके अगर मैं पीछे जाऊँ तो कभी ना कभी तो ज़ीरो ईयर होगा जीरो में दुनिया ख़त्म थी क्या तो नहीं एब्सोल्युटली नहीं उसके पहले भी तो दुनिया चल रही थी ओके okay? बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दैट अर्थ इज़ एस्टैब्लिश 4.5 बिलियन इयर्स एगो तो 4.5 बिलियन इयर्स एगो से लेके अब तक ये जो चीज़ें हैं मतलब दुनिया है टाइमलाइन जो है वो चल ही रही है एंड दैट्स वाई फिर ये जो ग्रेगैरियन कैलेंडर है ओके okay? उसको हम लोग दो पर्टिकुलर ईरा में डिवाइड करते हैं यहां पे आएगा आपका जीरो जो अभी आपका चल रहा है दैट इज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू और ये जो जीरो है इट इज नथिंग बट द बर्थ ईयर ऑफ द जीजस क्राइस्ट तो जीजस क्राइस्ट जब जन्मे तो जीजस का ईरा चालू हो गया दैट्स वाय दिस कैलेंडर इज नोन एज अ कैलेंडर ऑफ द क्रिश्चन ईरा और जीजस ईरा अब ये कैलेंडर जो बनाया था इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बट अल्टीमेटली पोप ग्रेगेरियन ने ये कैलेंडर को फाइनल वर्जन दिया था इसके लिए इसको ग्रेगेरियन कैलेंडर भी बोला जाता है तो ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसमें आज आपका चल रहा है टू आप कभी ना कभी तो बैग जाओगे तो ज़ीरो है तो जीरो के पहले क्या था सिंस ज़ीरो से लेके अब तक ये जीजस क्राइस्ट का ईयर है दैट इज़ क्रिश्चियन ईरा है तो उसके पहले का जो ईरा है उसको आप बोलोगे बिफोर क्रिश्चियन ईरा इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी भी बोला जाता है राइट right? और इसको एडी भी बोला जाता है दैट इज एनो डोमिनियो लैटिन वर्ड है टू सजेस्ट द क्रिश्चियन ईरा और प्रेजेंट ईरा ओके okay? तो जब जब ओके इवन नॉट ओनली वर्ल्ड बट जब जब इंडिया में भी कोई भी बड़ा राजा आता है तो बड़ा राजा जो है वो अपने साथ एक नया कैलेंडर भी लेके आता है तो वैसे ही जीजस क्राइस्ट का जब बर्थ ही हुआ था तो जीजस क्राइस्ट के बर्थ के साथ क्रिश्चियन लोगों ने भी उनका एक नया कैलेंडर लाया तो वैसे ही इंडिया में अगर आप बात करोगे कि कैलेंडर कौन सा है तो इंपॉर्टेंट कैलेंडर के आपने कभी कभी नाम भी सुने होंगे तो शका कैलेंडर इज देयर गुप्ता कैलेंडर इज ऑल्सो देर आफ्टर आपका विक्रमादित्य कैलेंडर इज ऑल्सो देर ये जो तीन इंपॉर्टेंट कैलेंडर है इनके रफली इिफ्टी एट बी सी ये जो है वो 78 एडी से चालू हुआ है और ये जो है वो 319 एडी से चालू हुआ है बट अब ये वाले जो कैलेंडर है ओके इसको हम लोग यूज नहीं करते एक्सेप्ट दिस वाला कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट का आज भी ऑफिशियल कैलेंडर है तो इंडियन गवर्नमेंट जब-जब ईयर निकलता है तो उसमें आपने सुना होगा कि शक 1944 अभी चल रहा है तो शक 1944 चल रहा है उसका मतलब क्या हुआ शका कैलेंडर 78 एट में फॉर्म हुआ है जीरो एडी में कौन सा कैलेंडर फॉर्म हुआ है तो ये वाला कैलेंडर दैट इज ग्रेगैरियन कैलेंडर तो हमारा जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर वो 78 ईयर पीछे चल रहा है बिकॉज वो 78 एट में बना था तो दैट्स शका जो है वो हमेशा सेवेंटी एट ईयर सेवेंटी एट इंडियन कैलेंडर के पीछे चलता है कुछ ज़्यादा इसको इन डिटेल समझने की जरूरत नहीं है यहाँ से कुछ ज़्यादा आने वाला भी नहीं है दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर इज देयर मल्टीपल कैलेंडर आर देयर ओके इंडिया में ही जैसे मैंने अभी आपको तीन बताया ये तीन तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए हैं एक्चुअल में तो मोर देन फिफ्टीन कैलेंडर आर देयर इन इंडिया और रही बात दूसरे तो वर्ल्ड ओवर में ये ग्रेगरियन कैलेंडर जो है इसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है एंड डेट्स वाई इंडिया की हिस्ट्री भी जो है वो ग्रेगरियन कैलेंडर के आसपास ही हम लोगों ने पूरी की पूरी रिकन्स्ट्रक्ट कर दी है तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द बी सी एंड एडी डी तो ज़ीरो के पहले जितनी भी चीज़ें हुई उसको आप बोलोगे बिफोर क्रिश्चियन एंड ज़ीरो के बाद में जितनी भी चीज़ें हुई उसको आप बोलोगे एनो डोमिनियो और क्रिश्चन ईरा तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द टाइमलाइन और द कैलेंडर थोड़े-थोड़े टाइम में जैसे-जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा और ठीक से समझ में आ जाएगा एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि सेंचुरी ओके okay? तो ये सेंचुरी क्या होती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में बहुत टाइम पे एक हाथ दूसरे क्वेश्चन तो सेंचुरी के कांसेप्ट के ऊपर ही आपके सॉल्व हो जाएंगे ओके okay? तो सेंचुरी एग्जैक्टली exactly क्या होती है तो सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ हंड्रेड इयर्स राइट जैसे इंडिया राइट नाउ इज लिविंग इन 21st सेंचुरी तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या हुआ तो 21st सेंचुरी का मतलब हुआ दिस ठीक है सो दिस बिकम योर 21st सेंचुरी तो 2001 से हमारी 21st सेंचुरी चालू हुई अब 2100 जब होगा तब ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी खत्म हो जाएगी एंड वैसे ही जब जब आपको सेंचुरी है उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है मैं जो सेंचुरी बोलूंगा से फॉर एग्जाम्पल मैंने सेवन सेंचुरी बोल लिया तो सेवन सेंचुरी अगर मैंने बोला तो आप लास्ट में सेवन हंड्रेड लिखोगे और उसके पहले के वन हंड्रेड यार दैट इज बेसिकली दिस वन तो ये बन जाती है आपकी सेवन सेंचुरी अगर से फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली थर्टीन सेंचुरी बोल लिया तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ थर्टीन सेंचुरी तो मुझे लास्ट में रखना है थर्टीन हंड्रेड और उसके पहले के सौ साल तो so, ये बन जाती है मेरी थर्टीन सेंचुरी तो सेंचुरी जो है ओके इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंचुरी जनरली सजेस्ट अ पर्टिकुलर पैक ऑफ दंड्रेड ईयर्स एंड हंड्रेड ईयर्स में फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये ए सी दैट इज सॉरी ए डी एंड बी सी क्या होता है एंड देर आफ्टर वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी अगर कोई डाउट है ओके okay, तो यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन टाइपिंग बट कमेंट सेक्शन को ऐसा लिट करके लिखो मत ओके जस्ट कीप यर डाउट्स ओवर देर ओके जितने भी आपको डाउट्स हैं सो दैट आई कैन टैकल इट लेटर ऑन इफेक्टिवली तो टाइम लाइन में कैलेंडर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट शक्का कैलेंडर क्या होता है ग्रेगैरियन कैलेंडर क्या होता है ये दोनों चीजें थोड़ी इम्पोर्टेंट है एंड देर आफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन द सेंचुरी देर आफ्टर फिर ये एंशियन मीडियवल एंड मॉडर्न इंडिया अब ये तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या है अब तीनों का बेसिक डिफरेंस है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो मेजर ऑफ द हिस्ट्री जो है वो 19 से लेकर 20th सेंचुरी में ओके कॉलोनियल हिस्टोरियन मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है ओके okay? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मीडिया इंडिया इंडिया वॉज क्वाइट स्टैगन तो इंडिया को अपने पास के बारे में पता ही नहीं था फिर ब्रिटिश राज आया ब्रिटिश राज के साथ उनके हिस्टोरियंस आए तो हिस्टोरियंस ने इंडिया का पास जो है वो अनर्थ करना चालू कर दिया उसके बारे में ढूंढना चालू कर दिया तो so, जैसे उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया दे गॉट टू नो दैट कि इंडिया के पास तो ह्यूज एंशियंट सिविलाइजेशन है एंड दैट्स वाई उनको ऐसा दिखाना था कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज रेसिज्म तो हॉलमार्क था अपना पूरा कॉलोनियल हिस्टोरियन का सो इन ऑर्डर टू डू दैट एंड इन ऑर्डर टू शो कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो सबसेवियंट है टू द्रिश्चन्स और द यूरोपियन पीपल उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के तीन पार्ट बनाए रफली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओके तो ये रिलीजन बेस पे एंशियंट टाइम से लेके सेवेंथ सेंचुरी ईडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको आप बोलोगे एंशियंट इंडिया इसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदू हिस्ट्री भी बोला जाता है फ्रॉम कॉलोनियल हिस्टोरियन हाउ एवर ओके ये सिर्फ हिंदूज के लिए ही नहीं था तो इस पर्टिकुलर पीरियड में वी हैव फाउंड कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन भी इंडिया में फ्लरिश कर रहे थे जैसे बुद्धिज्म इज देयर आपके जितने भी बड़े किंग आपने सुने होंगे सो फॉर एग्जाम्पल अशोका इज देयर There, फॉलो करने वाले लोग थे वैसे ही आपने जैन रिलीजन भी सुना होगा तो आपने चंद्र मौर्य का नाम सुना होगा तो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ़ द जैन रिलीजन तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो कैटेगराइजेशन हमें करके दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इसको अब हमने बाय लाज रिफ्यूट कर दिया है कि भाई आप ये रिलीजन के ऊपर जो कैटेगराइजेशन है वो मत करो ओके एंड डर आफ्टर फिर मीडियावल हिस्ट्री एट सेंचुरी ई डी ऑनवर्ड ही क्यों चालू हो गई तो मीडियावल हिस्ट्री इस पर्टिकुलर ईयर से चालू हो गई बिकॉज 712 हंड्रेड में देर वाज़ फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया ये जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था ओके okay? तो मोहम्मद बिन कासिम नाम का बंदा था ही वॉज एन अरेबिक कमांडर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इनवेड इंडिया एंड दैट्स द ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस क्लेम कि भाई देखो अब इस्लामिक ईरा जो है वो इंडिया में चालू हो गया एंड दैट इज हाउ एंटायर मीडियावल इंडिया जो है उसको इंडिया में हमेशा नीचे दर्जे का दिखाया गया है इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट दिखाया गया है एंड इनको हमेशा इन्वेडर्स ही माना गया है सो दैट इज बेसिकली द कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कहना एंड आफ्टर मॉडर्न इंडिया एटीन सेंचुरी से ही क्यों चालू हुआ तो एटीन सेंचुरी से इसके लिए चालू हुआ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेट तो 1707 ओ सेवन इज प्रसाइज इन विच औरंगजेब डाइड एंड जैसे ही औरंगजेब डाइड अलॉन्ग विदॉर्चून्स द इस्लामिक रिलीजन एंड मुगल्स बोथ कोलैप्स इन इंडिया तो ये जैसे ही कोलैप्स हुआ कॉलोनियल हिस्ट्री इंडिया में आने लग गई एंड उसके साथ साथ हिंदू रिलीजन जो मेजोरिटी रिलीजन है इंडिया में उसका पर्दा भी इंडिया के हिस्ट्री पर भारी वापस से पढ़ने लग गया एंड डेट्स वी कॉल इट एज अ बेसिकली मॉडर्न इंडिया तो ये कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो हमारा एंशियंट मीडियेबल एंड मॉडर्न इंडिया का कैटेगराइजेशन करके हम लोगों को दिया है अब हम उसको सही मानते हैं क्या हम लोग उनके डेट को सही मानते हैं बट अभी हम लोग उनकी जो फिलॉसफी है उसको सही नहीं मानते अब हमारा कहना है दैट इज़ इंडियन हिस्टोरियन दैट इज़ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का कि भाई ये जो सेवन सेंचुरी है ओके okay, यहाँ तक इंडिया में सम सॉर्ट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी थी एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में अगर पूरे इंडिया में ना हो तो चुरी ऑनवर्ड इंडिया में देर वे लार्ज स्केल फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत सारी छोटी छोटी डायनास्टीज जो है वो इंडिया में आने लग गई सो दैट्स पर्टिकुलर पीरियड जो है उसको अभी हम लोग मीडिये इंडिया मानते हैं एंड एटीन सेंचुरी में ओके रफली वी कंसिडर कि ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार के बाद इंडिया पे कब्जा करना चालू कर दिया एंड देर आफ्टर दे ऑल्सो इंट्रोड्यूसड वेस्टर्न फिलोसॉफीज इन इंडिया एंड इंडियज गॉट टेस्ट ऑफ मॉडर्निटी फॉर द फर्स्ट टाइम तो दैट्स ए फिर अभी हम लोगों ने ये वाले ईयर के बाद मॉडर्न इंडिया भी मानना चालू कर दिया है तो इर रिस्पेक्टिव ऑफ़ द आइडियोलॉजी ओके आपको सिर्फ ये डेट्स थोड़ी सी याद रखनी है कि एंशंट इंडिया क्या होता है मीडियावेल इंडिया क्या होता है एंड एंडर आफ्टर मॉडर्न इंडिया जो है वो क्या होता है सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एंशियट मीडियावेल एंड मॉडर्न तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंशियट इंडिया तो एनशियट इंडिया चालू करने से पहले वी आर गोइंग टू सी द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ द एनशियंट इंडिया जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं समझोगे आपको हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली प्री हिस्ट्री से या फिर डायरेक्टली कोई इरा से चालू करोगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ये एग्जैक्टली exactly चल क्या रहा है तो इट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो अप्रोच जो है वो आपको हमेशा ठीक से रखना है कि एक आपको ईरा पकड़ना है और वो ईरा में सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे वही याद रखना है बट ईरा समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑल्सो राइट तो अभी हम वी विल सी दैट क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली एंशंट इंडिया में क्या क्या चीजें हुई थी एंड अलोंग विद क्रोनोलॉजी आई एल ऑल्सो बी गिविंग ए सर्टन इन्फॉर्मेशन कि भाई ये चीज़ों में क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रिल्स परसपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव तो अभी तक ओके okay, अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी ओके टेक अ मिनट जो भी डाउट रहेगा ठीक है सिंपल यह समस्या वाला क्रोनोलॉजी राइट आप क्रोनोलॉजी समझिए ओके यस ओके सर आई टेल यूरी एवरी थिंग आई टेल यू डोंट वरी ठीक है यार ये वीडियो वाई पे हमेशा रहेगा ओके आई मेक अ प्ले लिस्ट आउट ऑफ इट डोंट वरी ठीक है यस तमिलनाडु हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ओल्ड आउटडेटेड कोई फायदा नहीं होगा वो पढ़ के ये वाली एनसीआर टीज पढ़ना देखो क्या होता है ना आपको चीज समझ ली है यू पी एस सी में अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर यूपीएससी डायरेक्टली ओल्ड एनसीआर टी आर एस शर्मा के एन सी आर टी से उठा के क्वेश्चन डाल रही है तो आप वो तमिलनाडु एनसीआर टी क्यों पढ़ रहे हो वॉट इज द नीड और नेसेसिटी ऑफ इट ना जो सब क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं वही बुक पढ़ो और वही बुक समझने का कोशिश करो ओल्ड एन से अभी भी आपको वर्बेटिम क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आई शो इट टू यू ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले पार्ट लेक्चर जो है इसके वो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है तो फिफ्थ लेक्चर ऑनवर्ड मैं आपको लेक्चर वाइज ना पी वाई क्यू भी दिया करूंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई एक्जैक्टली exactly कौन सा पी वाई क्यू है कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से या फिर कहाँ से एग्जैक्टली exactly आ रहा है सो यू विल गेट टू नो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एंशियंट इंडिया के यही से सॉल्व हो रहे हैं तो वो एन या फिर कोई और दूसरे स्टेट का एन उसके चक्कर में मत पढ़ो यूपीएससी पी यहाँ से पूछ रहा है तो आपको भी यही से करना है दैट्स इट ओके यस ओके हाँ ठीक है ऐसे वाले जो सवाल एंड में पूछोगे टू द एंड ऑफ द लेक्चर ठीक है एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ द लेक्चर मुझे एंड में पूछा विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ठीक है यस yes. ओके okay. ठीक है सिंपल hmm. है एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट आस्क मी एट द एंड ठीक है यस yes. ठीक है कैलेंडर है वो इंडियन कैलेंडर नहीं है मुफ्ती ठीक है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे in है? है? शिवांगी मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल इट ऑलरेडी बिन अपलोडेड मैं लेक्चर के पहले ही अपलोड करवा रहा हूँ राइट right? तो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम बताया था यू अगेन ओके जस्ट एक मिनट लगेगा फॉर दोज जस्ट इन तो दिस इज़ बेसिकली माई टेलीग्राम ग्रुप ओके इट इज सी एस ए विद साइनल नागरे यू विल गेट पी पी टी ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम पी पी ट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो तो ये चैप्टर वाइज समरी भी है और ये मैं लेक्चर के पहले ही अपलोड करूँगा एवरी डे सेवन ओ क्लॉक आई विल भी टेकिंग लेक्चर मेजोरिटी ऑफ़ द लेक्चर्स लाइव ही होंगे कुछ कुछ सेशन अपलोडेड रहेंगे आई लेट यू नो कौन सा अपलोडेड होने वाले बाद में ठीक है तो so, आपको दोनों चीज़ें जो है वो अभी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड देर सो इफ यू वॉन्टेड देन यू कैन गेट इट ओके सो नाउ विल मूव ऑन टू द एक्चुअल क्रोनोलॉजी ठीक है तो ये क्रोनोलॉजी जब तक आपको नहीं समझेगी तब तक हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आएगा एक बार ओवरऑल समझ कि कि कब 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 क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या हुआ एंड आफ्टर विल मूव डिटेल हर एक ईरा में पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसी हुई थी ओके okay, तो लेट स्टार्ट वन बाय वन ठीक है तो इंडिया में सबसे पहले जो ह्यूम की जो हिस्ट्री मिली थी ओके okay, वो मिली थी समवेयर अराउंड 5 लाख ,00 बीसी से लेके 2.5 लाख बीसी के अराउंड हाउएवर वर्ल्ड कंटेक्स में ह्यूमन की हिस्ट्री जो चालू हुई उसको टू लैख टू मिलियन बी सी बेसिकली दैट इज ट्वेंटी लैख बी सी ऑनवर्ड माना जाता है तो इंसानों की जो एक्चुअल हिस्ट्री जो चालू हुई वो बीस लाख साल पहले चालू हुई और वो चली कब तक टेन थाउजेंड बी सी तक मतलब रफ्ली आप पकड़ के सक पकड़ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन लैख ईयर्स तक ठीक है Humans जो है वो primitive थे primitive मतलब आदिवासी थे इनको कुछ पता नहीं था इनको बस फायर आती थी ओके okay? इनको पत्थर के इक्विपमेंट बनाना आते थे और ये फायर एंड पत्थर का इक्विपमेंट बन के एनिमल की शिकार करते थे और उसी को खाते थे सो ह्यूमन एनिमलिस्टिक इन नेचर मतलब हम खुद एक एनिमल है और तब तो हम एनिमल की तरह रहा करते थे ठीक है तो इसके लिए इसको आप पैलियो लिथिक एज भी बोलोगे पैलियो का मतलब होता है ओल्ड लिथिक मतलब स्टोन तो ओल्ड स्टोन एज देर आफ्टर फिर मिडल स्टोन एज एंड देर आफ्टर फिर न्यू स्टोन एज दैट इज न्योलिथिक तो मेजोलिथिक न्योलिथिक एंड पैलियोलिथिक ये स्टोन एज इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हमको इनके बारे में कुछ पता नहीं है राइट right? इनको लिखना नहीं आता था राइट right? इन्होंने हमारे लिए ज़्यादा कुछ एविडेंसेस पीछे छोड़े नहीं हैं तो हमको इनके बारे में पता कैसे चला हमने कुछ कहाँ कहाँ पे जाके एक्सकेवेशन किए और एक्सकैेशन करके हम लोगों को इनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली है सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन हम लोगों ने इनको तीन रीजन में डिवाइड कर दिया दैट इज पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज मेजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज एंड न्योलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज तो एज फार एज पैलियोलिथिक एज इज कंसर्न तो पैलियोलिथिक एज में क्या था कि नॉर्मल नॉर्मल पत्थर जो है उसी का उठा के ये लोग शिकार करते थे एंड इनको फायर के बारे में पता था बट एज एजार एज मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक इज कंसर्न तो अगर ये नए हमने असाइन किए हैं तो हमको यहाँ पे कुछ नई चीजें भी मिली है सो वट आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईरा तो सिंस इट इज मेजोलिथिक पीरियड दैट इज मिडल स्टोन एज हम लोगों को यहाँ पे माइक्रोलिथ मिले हैं तो माइक्रोलिथ इज नथिंग बट पॉलिशोन okay? तो छोटे छोटे इज़ हार्डली टू सेंटीमीटर से लेके थ्री सेंटीमीटर हार्डली इतने इतने पॉलिश स्टोन टूल से इक्विपमेंट पत्थर के इक्विपमेंट हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड में मिले हैं जिसको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं ओके एंड इट सिग्निफाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की अब यहाँ पे लोगों को कुछ चीजें पता चलना चालू हुआ और वो चीज़ क्या इनको पता चली कि स्टोन को पॉलिश कैसे किया जाता है उसको धार धार कैसे बनाया जाता है अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द कंटेम्प्री पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के भी एविडेंसेस मिले हैं तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट जैसे ही आपने पत्थर को धार देना चालू कर दिया तो उसका मतलब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो एग्रीकल्चर करना है तो आपको हल चलाना पड़ेगा यू नीड टू प्लॉग योर फील्ड फिर जो आपके झाड़ है उसको काटने के लिए यू रिक्वायर अ क्वाइट ब्लेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आपको अच्छे क्वालिटी के ब्लेड लगेंगे इन ऑर्डर टू रिप योर हार्वेस्ट और इन ऑर्डर टू कट द ट्रीज तो माइक्रोलिथ वो टेक्नोलॉजी थी जिसके वजह से इन्होंने ऐसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाना चालू किए एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ़ द एनिमल इज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ एनिमल डोमेस्टिकेटेड होते ही होते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉग ओके तो डॉग को क्यों डोमेस्टिकेट किया जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी तो जब आप खेत में नहीं हो आपके खेत का ध्या, ध्यान कौन रखेगा वो कुत्ता रखेगा राइट right? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल प्रोवाइडेड

तो मेहरगढ़ है इट इज टाउन इन नाउ पाकिस्तान और ये जो है, that belong to BC के के ये सारे के सारे घर है okay? तो मतलब जीरो से पहले वाली चीज़ें चल रही है। अभी तक हम लोग जीरो पे आई ही नहीं है तो दिस इज द थ्री इसेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेलियोलिथिक मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक अगेन इन नटशेल प्रीमेटिव ह्यूमंस वेयर देयर ओके इनको सिर्फ और सिर्फ आग के बारे में पता थे बट ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके क्या करते थे शिकार करते थे और एनिमल्स को खाते थे फिर इन्होंने सीखा माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी दैट इज पॉलिश स्टोन टूल टेक्नोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फिर इंसान ने सीखा एग्रीकल्चर एंड ऑन दिस बेसिस फिर हम लोगों ने इनको कैटेगराइजेशन किया है पैलियोलिथिक मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में तो अगर आपको गलती से कभी अभी सवाल आता है कोई भी एग्जाम में कि आउट ऑफ फॉलोइंग ईराज इन विच एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया तो आपको पता है अभी न्योलिथिक में या फिर अगर आपको ऐसा सवाल आ गया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वॉज स्टार्टेड इन पेलियोलिथिक एज तो आपको पता है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इज स्टार्टेड इन मेजोलिथिक एज नॉट इन पैलियोलिथिक एज ओके तो पैलियो मेजो एंड नियो एंड आफ्टर पैलियो मेजो एंड नियो ओके ह्यूमैनिटी मूव अहेड टू द चैलकोलिथिक एज नाउ चैल्को का मतलब होता है कॉपर ओके एंड कॉपर इज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज बाय मैन, ठीक है फर्स्ट मेटल बाय मैन। तो हम लोगों को इन दिस पर्टिकुलर पीरियड बहुत सारे कॉपर के इक्विपमेंट मिले हैं तो कॉपर के इक्विपमेंट हम लोगों को जहां जहां पे मिले हैं इन पर्टिकुलर साइट्स को हम लोगों ने नाम दिया कि ये सेटलमेंट है और इसको चैलकोलिथिक क्यों बोला जाता है बिकॉज चैलको का मतलब होता है कॉपर एंड आफ्टर स्टोन एज मतलब कॉपर 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 स्टोन 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 एज एज ओके तो के along with stone के इक्विपमेंट इक्विपमेंट अलोंग हम लोगों को दोनों इस पर्टिकुलर पीरियड में मिले हैं एंड पैलियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक एंड उसके बाद चैलकोलिथिक ये जो हमारे चार बेसिक पीरियड जो है ये चार बेसिक पीरियड को आप क्यूमलेटिवली बोलोगे प्रोटोहिस्ट्री ओके okay. तो प्रोटो हिस्ट्री का भी कांसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ठीक है तो व्हाट इज बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों सॉरी नॉट प्रोटो हिस्ट्री माय मिस्टेक सॉरी इट इज प्री हिस्ट्री ठीक है तो प्री हिस्ट्री का कांसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए सो व्हाट इज एग्जैक्टली द प्री हिस्ट्री देन प्री हिस्ट्री इज नथिंग बट पैलियो देयर आफ्टर मेसो देयर आफ्टर नियो एंड देयर आफ्टर चालको ठीक है तो ये चारों का बना के आपका होता है प्री हिस्ट्री इसको प्री हिस्ट्री इसीलिए बताया जाता है बिकॉज दिस पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग इनको लिखना नहीं आता था ओके ओके दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग इसके लिए हमको इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही इंफॉर्मेशन मिलती है ऑनली वाई आर्योलॉजिकल एविडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्या बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं आपका प्री हिस्टोरिकल बिकॉज इनको कुछ लिखना नहीं आता था तो इनके बारे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सकेविशन में जितने एविडेंसिस मिले हैं उसी से इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है या फिर उसी से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है दिस इज समिंग दैट वी कैन कंसिडर एंड आफ्टर प्री हिस्ट्री जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है उसके बाद वाला जो फेस है इंडिया में दैट इज रफली दिस वन इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ये वो पार्ट है हिस्ट्री में जहां पे इन लोगों को लिखना आता था बट इनकी लिखावट जो है इज समथिंग दैट वी हैव नॉट मतलब हमको समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा है बट इनके बारे में दूसरे कोई सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख के रखी है एंड वी हैव गॉट टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन फ्रॉम दैट अदर सोर्सेस फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी अनडिसाइफर्ड है मतलब हमको पढ़ना नहीं आता है कि इन्होंने क्या लिख के रखा है इन्होंने कुछ तो लिख के रखा बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या है ऑन दी अदर हैंड इनके बारे में एंशियंट मेजोपोटामियन सिविलाइजेशन ने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है और हमको मेजोपोटामियन लैंग्वेज पढ़नी आती है तो हम लोगों को हरप्पा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देसी सोर्सेज से कम और फॉरेन के सोर्सेज से ज़्यादा मिल रही है और अगर ऐसा कोई फेस आपके हिस्ट्री में है तो आप उसको बोलोगे प्रोटो हिस्ट्री तो इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री इज बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है And ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है यहां पर मिले है तो वट आर दैरक्टरिस्टिकेशन जैसे आज आपका इंडिया पकड़ लो आज का राइट इंडिया अर्बन है वाई इंडिया इज अर्बन देन इंडिया इज अर्बन बिकॉज यू हैिस्टिक तो पॉलिटी में हमारे पास एक सेंट्रलाइज पॉलिटी है राइट देर आफ्टर इकोनॉमी में हमारे पास मल्टीप्लीसिटी ऑफ द प्रोफेशन है जैसे सर्विस इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है राइट right? एंड वैसे ही एज फार एज सोसाइटी हमारे पास एक कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी भी है जहाँ पे हिंदूज है मुस्लिम्स है बुद्धिस्ट है जैन है सिख है देयर आफ्टर इवन ज्विश एंड देर आफ्टर पारसी सारे लोग इंडिया में आपको मिलेंगे तो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी भी है तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक अर्बनाइजेशन के वो आपको हरप्पा के टाइम पे भी मिलते हैं तो जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे अभी के लिए बस इतना ही याद रखना सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन कि ये प्रोटो हिस्ट्री के अलावा इसको इंडिया में ब्रॉन्स एज के नाम से भी जाना जाता है तो ब्रॉन्स एज इसीलिए बिकॉज हरप्पा में हम लोगों को मैक्सिमम इक्विपमेंट जो मिले हैं वो ब्रॉन्स के मिले हैं तो ब्रॉन्ज के बहुत सारे हम लोगों को अवशेष मिले हैं और एक्सकेवेटरी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं तो ना वी हैव कंसीडर कि भाई कॉपर के बाद हमारे पास आया एंड एक्चुअली इट वाज अ नेचुरल कोरोलरी बिकॉज जो है वो एलॉय है तो नेचुरली आपको नहीं मिलेगा आपको ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और ब्रॉन्ज बनता किसका है तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर का एंड आफ्टर टिन का तो अभी भी अगर आप दुनिया में देखोगे और इंडिया में भी देखोगे तो कॉपर आपको मिलेगा राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज्यादा और टिन मिलेगा आपको अफगानिस्तान वाले एरिया में तो अफगानिस्तान से टिन देर आफ्टर राजस्थान से कॉपर ये दोनों चीजों को मिला के नया मेटल तैयार किया गया दैट इज ब्रॉन्ज और ये कहाँ पे हुआ तो इंडस रिवर के आजू बाजू में दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन तो ये स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पे एक साइड से इनको आ रहा था कॉपर एक साइड से आ रहा था टिन उन्होंने दोनों को मिला के बना लिया नया मेटल दैट इज ब्रॉन्ज तो ब्रॉन्स एज इंडिया में कौन सा है देन इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हरप्पन एज इज समथिंग दैट वी कैन कॉल देर आफ्टर फिर हमारे पास है वैदिक एज सो आर्यन इन्वेजन तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस पहले ही बनाया था दैट आर्यन इन्वेजन इज देयर ठीक है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी इससे रिलेटेड बट मैंने तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू कैन डिराइव बाई यल्फ बट अल्टीमेटली एज फार एज इज कंसर्न जैसे बुक में लिखा है कि आर्यन हैड इनवेडेड इंडिया एंड जब आर्यस इंडिया में आए तो उनके साथ साथ वैदिक नॉलेज भी इंडिया में आया एंड दिस वैदिक एज जो है वो हरपन सिविलाइजेशन के बाद चालू हुआ एज है तो रफली 1500 हंड्रेड बी सी से लेके सी सी तक आपके चार इंपॉर्टेंट वेदाल जो है दैट इज ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद ये रिसाइट किए गए थे ये बोले गए थे ठीक है तो ये जब रिसाइट किए गए थे वेदास, ओके तो ये चारों बुक एक ही बार एक ही जगह पे बैठ के नहीं लिखे थे ये इवोल्यूशनरी नेचर है एंड दैट्स वैदिक एज भी दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका एक तो है अर्ली वेदिक एज ओके जो चलता है रफ़ली 1500 से लेके 1000 बीसी तक और एक होता है लेटर जो चलता है आपका रफ़ली 1000 से लेके 600 BC तक। तो ये वाला जो लेटर वेदिक एज एंड अर्ली वेदिक एज का डिफरेंस है ये डिपेंड अपॉन द वेदा तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्ली वेदिक एज में रिग जो है वो रिसाइट किया गया होगा

आपको राजपाठ मिलेगा आपको बेटा मिलेगा आपको अगले जन्म में अच्छा वर्ण मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इससे हम लोगों को कंटेम्परिरी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव गैदर्ड तो दिस वैदिक एज इज समथिंग दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके सिक्स हंड्रेड बी सी एंड ये जो वैदिक एज है इसको आप आयन एज भी बोलोगे ओके okay? आयन एज ये आयरन एज इसके लिए बोला जाता है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में आयरन के एविडेंसेस मिलने चालू हो गए थे तो लोहा इंडिया में सबसे पहले कब मिला तो समवेयर अराउंड 700 से लेके 600 बीसी के अराउंड मतलब टूअर्ड द एंड फेज ऑफ द लेटर वेदिक पीरियड तो 700-600 बीसी हंड्रेड बी के अराउंड अगर आपको आयरन दैट इज लोहा मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ अब नया एज दैट इज आयरन एज इंडिया में चालू हुआ इसका सबसे पहला वाला जो एविडेंसेस है वो हम लोगों को यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा में मिला है एज एज वेल एंड कृष्ण की बात करते हैं तो एंड कृष्ण का मतलब है ब्लैक मेटल और हम यही कंसिडर करते हैं कि इसी का मतलब जो है वो अल्टीमेटली आयरन होगा अपार्ट फ्रॉम दैट ओके आपका वैदिक एज है यहाँ पे यू कैन क्लियरली पहली बार देखोगे कुछ रिटर्न एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को मिलना चालू हो गए

प्रोटो प्रोटो हिस्ट्री जो है दैट हिस्ट्री इज बेसिकली योर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फिर आपका जो एक्चुअल हिस्ट्री जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक एज ऑनवर्ड तो प्री हिस्ट्री मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रोटो हिस्ट्री

वो कितना भी विकसित हो या फिर वो कितना भी डेवलप्ड हो आर्यन जो है वो अपना ट्राइबल लाइफ स्टाइल कंटिन्यू रखे बट एक हजार साल बाद मतलब 600 BC, ये आर्यंस में अब बड़े बड़े किंगडम जो है वो आना चालू हो गए एंड अल्टीमेटली इन सिक्स हंड्रेड बी सी देर वोटल ग्रेट किंगडम जिसको आप महाजनपदा बोलोगे तो ये महाजनपदा ईरा जो है वो सिक्स हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड जो है वो चालू होना चालू हो गया तो आर्यंस आर बेसिकली ट्राइबल पीपल बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स इन टू डिट डिफरेंट क्लैन ये क्लैन फिर एक साथ आए और एक साथ आके इन लोगों ने बड़े बड़े किंगडम बनाना चालू कर दिए ऐसे टोटल 16 किंगडम थे 16 किंगडम्स देयर ड्यूरिंग द द टाइम ऑफ महाजनपता एंड फिर आउट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम्स व्हिच किंगडम देयर इन 600 बीसी ऑनवर्ड ओके इसमें से अल्टीमेटली ओके okay, सबसे इंपॉर्टेंट बना आपका मगध तो मगध किंगडम में हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज मिली है जैसे हरण्य का फैमिली शिशुनागा फैमिली नंदा फैमिली एंड आफ्टर मौर्यन फैमिली एंड आउट ऑफ दिस फोर फैमिली एज फार एज नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड इज कंसर्न आपको सिर्फ एक ही पढ़नी है दैट इज द मौर्यन एम्पायर तो मौर्यन एम्पायर विच वॉज देयर इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इनके तीन ग्रेट किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य बेसिक इज फॉलोड बाय हि सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा इज फॉलोड बाय हिज सन दैट इज अशोक वर्धन मौर्या ये तीन ग्रेट किंग है एंड देर आफ्टर इनकी पॉलिटी इनकी इकोनॉमी इनकी सोसाइटी ये सब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता है सो जब लेक्चर में जाएंगे तब वो देखेंगे हाउ ये जो किंगडम है ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई इसके कुछ रीज़न है अशोका ने एक ऐसा सिस्टम अल्टीमेटली बनाया था कि वो सिस्टम के लिए एक स्ट्रॉन्ग किंग होना हमेशा जरूरी था

ओके मगध दैट इज पाटली पुत्र में ही वी कैन हियर ऑफ शुंगाज दर आफ्टर कानवाज अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखोगे तो इंडिया में सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन चालू हुआ इस टाइम पे इंडो ग्रीक्स दे आर फॉलोड बाय फिर आफ्टर फिर पहलाज वैसे ही साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में सबसे पहले सातवानाज आए फिर इक्शवाकुश भी आए एंड छोला चेरास पांड्यास तो साउथ इंडिया में पहले से ही थे तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज जो थी दैट सिग्निफाई पॉलिटिकली इंडिया डिसइंटीग्रेट हो रहा था मतलब मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइड हो रहा था दस ये पोस्ट मोरियन पीरियड जो है इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पीरियड पूरा का पूरा पॉलिटिकल अपीवलनेस वाला पीरियड था और इसमें बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम जो है वो बन रहे थे बिगड़ रहे थे बट अल्टीमेटली ओके फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया अराउंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड के अराउंड ही पकड़ के चलो ओके okay, इनका जो सबसे पहला ग्रेट किंग है ओके इट वॉज ंग okay? so, है चंद्रप्ता दुद्र गुप्ता चंद्रगुप्ता द सेकेंड देर आफ्टर कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता रफली थ्री हंड्रेड एंड नाइनटीन एडी से लेके फोर हंड्रेड एंड सिक्स

मोहम्मद बिन कासिम देर आफ्टर अराउंड से लेके में ऑफ ऑफ गजनी एंड आफ्टर द देम दैट ऑफ घीड जो अटैक इंडिया इन इलेवन नाइनटी वन इलेवन नाइनटी टू एडी ऑन अदर एंड साउथ इंडिया में क्या चल रहा था तो साउथ इंडिया में भी बड़े बड़े किंगडम हैं ओके okay? तो सबसे पहले चालुक एंड पहलवाज देर आफ्टर फिर राष्ट्र एंड छोलाज इन सब के बीच में फिर छोटे मोटे किंगडम तो थे ही जैसे काकातियाज ऑफ वारंगल होइसलाज वेर देयर देर वेर वे देयर तो अगेन यू कैन सी दैट साउथ इंडिया में अगेन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है वो चालू हो गया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो दिस इज द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ यर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री नाउ योर आर एस शर्मा हैजोटल ट्वेंटी एट चैप्टर तो ये जो टोटल अट्ठाईस चैप्टर है आई एम गोइंग टू टेक वन लेक्चर ऑन अ डेली बेसिस हर दिन मैं एक लेक्चर लूंगा और एक लेक्चर लेने के पीछे का पर्पज भी वही है कि एज अ नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड कैंडिडेट आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी इनिशियल लेवल पर दिक्कत आएगी तो दैट्स द आप एक बार चैप्टर पढ़ोगे एंडर आफ्टर ये लेक्चर देखोगे ओके सो दैट आपको थोड़ी सी चीज़ें बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग में होगी एंडर आफ्टर आपके कोई डाउट होंगे देन दैट डाउट यू कैन आस्क आस कैन टेक केयर ऑफ इट तो दिस इज द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ द एंटायर एनशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ज्यादा डिटेल में जाके इसको पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है जितना मैंने बताया उसके ऊपर भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में ठीक है तो नाउ अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट तो जो आपको क्वेश्चन होंगे ओके नाउ यू कैन डेफिनेटली शूट ठीक है यस yes. हाँ ओके okay? यस yes. एक एक करके ठीक है <laughs> प्लीज मेंशन बिफोर बी सी इन सेंचुरी ठीक है तो बी सी अगर आपको इन सेंचुरी एक्सप्लेन करवाना है तो आप ये वाला ये देख सकते हो ठीक है हाँ ठीक है तो बेसिकली ये वाला कैलेंडर पकड़ लो ठीक है ठीक है ठीक है तभी तो ये वाला कैलेंडर ही पकड़ लो सिंपल है अब इसको मैं वापिस जा रहा हूं तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल वैदिक एज जो है वो हमारा था सिक्स हंड्रेड से लेके 1500 तक ये अभी हमने देखा था ठीक है तो यहां से चलता हुआ आ रहा है। आज हम 2022 में है। पीछे, पीछे 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 जाएंगे तो कभी तो जीरो आएगा अब जीरो के पहले क्या आएगा फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे आप जाके आओगे तो वैसे कहीं ना कहीं पे तो माइनस सिक्स हंड्रेड आएगा सो दैट बिकम्स यूर सिक्स हंड्रेड बी एंड वैसे ही फिर कभी कभी आएगा आपका वैसे पीछे जाओगे तो फिफ्टीन हंड्रेड तो सिक्स है मतलब आपका आता है सेंचुरी और यहाँ पे 1500 है मतलब आपका आएगा 15th सेंचुरी ओके okay? तो अगर मुझे वैदिक पीरियड को बोलना है कि वैदिक पीरियड का सेंचुरी में एज क्या था तो ऑब्वियसली 15th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी तक तो इसको मैं लिखते वक्त भी उल्टा ही लिखूंगा कि 15th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी तक सिंपल है तो बस आपको उल्टा लिखना है आपका 6 पीछे आएगा रादर देन पहले आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ठीक है क्योंकि उल्टी चल रही है सारी चीज़ें तो उल्टा उल्टा हो गया तो आप सिक्स हंड्रेड पहले आएगा एंड फिफ्टीन हंड्रेड बाद में आएगा बट एक्चुअल में तो गाड़ी यहाँ से आ रही है राइट right? यहाँ से आते आते फिर वहां तक पहुँची है तो पहले आपका क्या क्या आना चाहिए फिफ्टीन हंड्रेड बट सिंस द टाइम लाइन जो है वो यहाँ से उल्टा चलेगा ठीक है तो आपको इस हिसाब से समझना पड़ेगा सिंपल है आई होप इट इज क्वाइट क्लियर अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बताओगे ठीक है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी तो मैं कोई भी सेंचुरी पकड़ लू सो फॉर एग्जाम्पल अभी वाली सेंचुरी पकड़ लो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मतलब आप क्या करोगे सबसे पहले टू थाउजेंड वन हंड्रेड वहां पे लिखोगे एंड आफ्टर फिर टू थाउजेंड वन यहाँ पे लिखोगे तो इसका फर्स्ट हाफ मतलब क्या हुआ टू थाउजेंड वन से लेके फिफ्टी एंड सेकेंड हाफ मतलब क्या हुआ टू थाउजेंड फिफ्टी वन से लेके टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो वैसे भी कोई भी सेंचुरी को अभी आप एंट्रीब्यूट कर लो कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी क्या होता है ठीक है वेदिक का टाइमलाइन मैंने आपको समझा दिया ठीक है सिंपल मैंने आपको ये भी समझा दिया, मैं दिया था है। सबसे पहला कौन सा एनिमल इंसानों ने डोमेस्टिक किया तो वो डॉग ही है डॉग फ्रॉम बागोर एंड आदमगढ़ तो ये बागोर एंड आदमगढ़ जो है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है वहां से हम लोगों को अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस मिले हैं इन इंडिया तो डॉग ओके यस तो डॉग वाज़ द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड एंड फिर डॉग के बाद तो बहुत सारे एनिमल है शिप है गोट है देर आफ्टर इवन कैट है हम लोगों को एलिफेंट के डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं कैमल के भी मिले हैं ओके यस ओल्ड एन सी आर टी इज प्रेफरेबल मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने मेरे पहले लेक्चर अगर किए होंगे देर इज नो अपर लिमिट इन यू पे सी देर इज़ अ लोअर लिमिट तो सबसे पहले अगर आपको गाड़ी चालू करनी है आप ओल्ड से करोगे अगर आपको लगता है कि अब मेरा ओल्ड एन सी आर टी के ऊपर होल्ड आ चुका है और अगर मुझे अभी और कुछ एक्स्ट्रा करना है तो जाकर आप न्यू एन सी आर टी के ऊपर शिफ्ट करोगे बट पहले तो आपको ओल्ड ही करना है बिकॉज ओल्ड का सारा जो डाटा है वो आपको न्यू एन सी आर टी में मिलेगा बट न्यू एन सी आर टी का प्रॉब्लम है ना कि वो काफ़ी क्रिस्प है तो ओल्ड एनसीआर टी इज लाइक अ होली बुक जिसमें आपको सब मिलेगा जिसका कम से कम 40 परसेंट पोर्सन उन्होंने काट दिया है न्यू एंड अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे तो यूपीएससी का जो फोकस so है वो मैक्सिमम ओल्ड एनसीआर टी पर है सो ओल्ड एनसीआर इज ऑलवेज बेटर ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं नया करना नहीं है करना है तो करो बट अगेन ओके नया वाला जो एनसीआर टी है ओके okay, वो बाद में करोगे पहले ओल्ड वाला करोगे ठीक है hmm. हम लोग उसको हरप्पन सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का का पहला जो साइट साइट डिस्कवर होता है, उस से पूरे का नाम पड़ता है नाउ हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके लिए उसको हरप्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है हरप्पन अपने आपको क्या बुलाते थे पता आपको हरप्पन आपको मैलूहा बुलाते थे और ये हम लोगों को कैसे पता चला है तो मेजोपोटामियन रिकॉर्ड है तो मेज़ोपोटामियम रिकॉर्ड में हमेशा ये एरिया जो है इंडस वैली वाला इसको मेलुहा लिखा गया है तो अगर मेजोपोटामियन लोग इनको मेलूहन बुलाते हैं तो ऑब्वियसली हरप्पन भी खुद को मेलूहन ही बुलाया करते होंगे हम उनको हरप्पा बोलते हैं ठीक है थीके? ओके यस हाँ हा ओके सर मीडियावल हिस्ट्री ठीक है व्हाट अबाउट संगम पीरियड ये जो संगम और छोटे मोटे जो मैंने आपको बीच बीच में जो ड्रॉप किए हैं वो आपके पोस्ट मौर्य में आ जाता है ठीक है तो जो आपका जो पोस्ट मौर्यन वाला जो पीरियड है इसमें जब साउथ इंडिया में मैंने छोला चेरा पांड्याज जब बताया तो छोला चिराज एंड पांड्यास जो है वो संगम पॉलिटी है बेसिकली नॉर्थ में हम लोग वैदिक लिटरेचर बोलते हैं बिकॉज़ वेदास की वजह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है वैसे साउथ में छोला चिराज एंड पांड्याज इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिली है तो सिंपल okay? hmm. hmm. nah, 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 है? है. भारतवर्ष कैसे आया है कैसे नहीं आया है okay? मैंने इसके लिए एक बार हिंदुजम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया था उसको एक बार आप देखोगे ठीक है सिंपल है ओके मेलुहा लुहा विच इज द लार्जेस्ट साइट Site this का राखी गरी okay? अभी के लिए राखी गरी है, पहले मोहेंजो हुआ करता होगा तो आपने अपने बुक ने देखा होगा तो बुक में आपको मोहनजो ही मिलेगा बट करंट अफेयर्स नाम की भी कोई चीज होती है लार्जेस्ट right? तो साइट जो है सिंपल सो विल मूव ऑन देन ठीक है सो दिस इज समिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजी सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ठीक है तो ये बताने के पीछे का रीजन यही था कि ये बेसिक जो है ये बेसिक जो है वो आपको हमेशा काम आएंगे इन ऑर्डर टू टैकल द क्वेश्चन अगर आपको टाइम लाइन का कंसेप्ट अच्छे से पता है कि ग्रेगेरियन कैलेंडर क्या है शका कैलेंडर क्या है वैसे ही अगर आपको सेंचुरी एंडर आफ्टर फिर सेंचुरी का वाला कंसेप्ट अगर ठीक से समझ में आ गया कि एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी ट्वेंटीअ सेंचुरी क्या है तो भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो फिर ये एंशियंट मीडियावेल मॉडर्न इंडिया एग्जैक्टली नामकरण क्यों पड़ा है इसके ऊपर भी नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओके एंडर आफ्टर द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी तो एग्जैक्ट जो क्रोनोलॉजी जो है हमारी पैलियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक देयर आफ्टर चैलकोलिथिक दैट इज प्री हिस्ट्री फिर हमारा प्रोटो हिस्ट्री दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एक्चुअल हिस्ट्री जो वैदिक एज ऑनवर्ड जो चालू होती है वो तो प्री हिस्ट्री क्या होती है प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है एंडर आफ्टर द एक्चुअल हिस्ट्री क्या होती है वो भी अभी हो चुका है एंडर आफ्टर फिर डिफरेंट डिफरेंट ईराज तो महाजनपदा दराफ्टर मौर्यन पोस्ट मौर्यन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता तो हर एक ईरा में अभी आपको क्या करना है उनका पॉलिटी कैसा था सोसाइटी कैसा था एंड इकोनॉमी कैसा था दैट्स इट ये तीन चीजें आपको करनी है एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एक फोर्थ पैरामीटर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था तो अगर आपने ये चार चीज़ अगर ठीक से कर ली हर एक ईरा में देन ऑब्वियसली आपका एंशेंट इंडिया एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा एंड दैट इज वॉट आवर एन इज़ सो नाव विल ऑन टू द एक्चुअल आर एस शर्मा ओके तो एक्चुअल आर एस शर्मा उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले चार चैप्टर है वो तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में देते हैं बट हिस्ट्री समझनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको हिस्ट्री में हमेशा डाउट आता होगा कि मतलब हिस्ट्री में ऐसी अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे क्यों है राइट वैसे ही आपको डाउट आता होगा कि ये हिस्टोरियन हमेशा एक दूसरे में लड़ झगड़ते क्यों है जैसे आपने रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स करते हो तो रोमिला थापर को बहुत गालियाँ पड़ी है उपिंदर सिंह को बहुत गालियाँ पड़ी है फिर कुछ हिंदू अप्रोच ऑफ हिस्ट्री नाम की एक कोई तो चीज़ आ रही है जिसने रिसेंटली कर्नाटका स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा था कि सावरकर जी कबूतर के पंख पर बैठ के उड़ के आते हैं तो भाई ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में क्यों लिखी जा रही है राइट वैसे ही फिर औरंगज़ेब का जो नाम है उसको हिस्ट्री से हटाना है इसके ऊपर आजकल फोकस है तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास देखो टाइम मशीन तो है नहीं पास्ट में जाके आपका पास देखने के लिए तो पास्ट में लोगों ने कुछ चीज़ें की और उसके कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं जिसको आप बोलोगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिट्रे एविडेंसेस अब आर्कियोलॉजिकल एंड लिट्रे एविडेंसेस को जोड़ के हम लोग कोई तो एक वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं हम मतलब हिस्टोरियन एंड इसी को आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी तो हिस्टोरियोग्राफी इज़ नथिंग बट आर्ट ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री तो आप हिस्ट्री कैसे लिखोगे तो अभी आप सोचिए कि एक कॉलोनियल हिस्टोरियन है ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो इंडिया के बारे में कभी कोई अच्छा लिखेगा क्या तो भले ही उसको हरप्पा मिले मोहनजोदारो मिले या फिर वेदिक मिले वो उसका रिकन्स्ट्रक्शन ऐसे करेगा ये दिखाने के लिए करेगा कि भाई वेस्ट सुपीरियर है तो वैसे ही जब कॉलोनियल हिस्टोरियन को पता चला कि भाई हरप्पा था इनके पास तो एंशियन सिविलाइजेशन है तो भाई ये तो रेशियल सुप्रीमसी के लिए थ्रेट है तो उन्होंने वो आर्यन इन्वेजन का थियरी लाया कि देखो आर्यस आए आर्यंस ने इन्वेड किया और आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको तहस महस कर दिया जैसे अभी हम ब्रिटिशर्स आए हैं और इंडिया के ऊपर राज किया है तो जैसे आर्यस वे हियर फॉर द गुड बिंग ऑफ द इंडियन पीपल वैसे ही ब्रिटिशर्स आर नाउ हियर फॉर द गुड बिंग ऑफ द पीपल तो ये होता है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का तरीका तो वैसे ही हिंदू अप्रोच या फिर हिंदू हिस्टोरियन जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे इस्लामिक हिस्ट्री को कम दिखाने का कोशिश करेंगे वैसे ही हमारे पास फिर कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या करते हैं हिस्ट्री को इस तरीके से लिखेंगे कि ये प्रेजेंट हो कि पूरे एंशेंट और मीडियावल इंडिया में इंडिया सेक्युलर ही था गॉट इट और फिर कुछ मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन होते हैं जो हमेशा ये प्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये रिलीजन कास्ट वगैरह कुछ नहीं है अमीरों ने सिर्फ गरीबों को लूटा है और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में भी हुआ है तो ये वाले जो तरीके हैं इसी के ऊपर ये एन पहले तीन चार चैप्टर में बात कर रहा है और हमको यही चीज़ सीखनी है समझनी है सो so दैट कि आपके दिमाग में हमेशा अगर ये डाउट आते हैं कि ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है क्यों कर रहे ये लोग ऐसा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ़िलासॉफ़ी है कोई तो पीछे राइट right? और वो फिलासॉफी अभी हम लोगों को समझनी है तो फर्स्ट चैप्टर जो है इट इज़ बेसिकली गिविंग अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंशियट इंडियन हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंस क्या है भाई एनशियट इंडियन हिस्ट्री का हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए राइट right? अगर आपको ऐसा सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई क्यों पढ़नी चाहिए तो लेट्स गो वन बाय वन सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर इन इंडिया कल्चर क्या होता है ओके तो कल्चर इज़ बेसिकली आप डेली लाइफ पे जो रहने का खाने पीने का मतलब रहन सहन का जो तरीका होता है उसको आप कल्चर बोलोगे अर्ली मॉर्निंग राइट सुबह सुबह जल्दी उठो सूर्य नमस्कार करो राइट right? फिर सुबह सुबह ही खाना खाना है और फिर दोपहर को भी थोड़ा खाना खाना है रात को कम ही खाना खाना है राइट right? हफ्ते में सर्टन डेज़ में नॉनवेज नहीं खाना है राइट देर आफ्टर आपको बी फिटिंग डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं करनी है सो दिस इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द हिंदू कल्चर गॉट तो ये जो कॉम्पोनेंट ऑफ द हिंदू कल्चर आप जो बोल रहे हो ये कल्चर एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हुआ तो हिस्ट्री हम लोगों को यही बताती है कि ये कल्चर जो है वो कॉम्पोजिट कल्चर है ये कहीं एक बंदे से आया हुआ कल्चर नहीं है पिछले 2000 साल में इवॉल्व कल्चर है और ये कल्चर में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर है और कौन है ये कंट्रीब्यूटर तो आर्यनस है हमारे पास देर आफ्टर इंडो ग्रीकस है हमारे पास टर्कस है तो जितने भी इंडिया में इन्वेडर है कौन कौन है इंडिया में इन्वेडर एंशियन टाइम में पर्शियंस मतलब मॉडर्न डे ईरान उन्होंने इन्वेड किया फिर एलेक्सेंडर द ग्रेट ग्रीक्स ने इन्वेड किया फिर इंडो ग्रीक शक्स कुशानास पहलवाज फिर हूनाज फिर अरेबियन देर आफ्टर टॉक्स ये इतने सारे इन्वेजन जो इंडिया ने झेले हैं तो हर एक बंदा जब अपने साथ आता है तो अपने साथ आते आते वो कुछ न कुछ तो अपना कल्चर लेके आता है वो और इंडिया में छोड़ जाता है जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में यकीन रखते होंगे सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन इंडिया का जो ज्योतिष शास्त्र है वो हम लोगों को ग्रीक लोगों ने दिया है इंडिया का कोई नहीं उसमें लेना देना तो ये ग्रीक हिस्टोरियंस जो है उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की बात इंडिया में की थी एंड आफ्टर इंडिया में भी हम लोगों को अर्लिएस्ट वर्जन जो है ज्योतिष शास्त्र जो मिला है उसको ये लोग होर शास्त्र बुलाया करते थे तो होर शास्त्र इज नथिंग बट द एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज विच वी हैव डिराइव फ्रॉम द ग्रीक पीपल तो आज आप जब शादी करोगे तो कुंडली देखोगे ना तो कुंडली का कंसेप्ट इंडिया में आया ही बाहर से है बेसिकली तो ये वाले जो कॉम्पोजिट कल्चर के जो एविडेंसेस है विच विल टेल यू कि यस वी आर हिंदूज वी आर हैविंग अ कल्चर बट ये कल्चर में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी है एंड दैट्स वाई यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी दैट इज लिविंग इन इंडिया देर फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट टेल्स एस अबाउट द इंटरेक्शन ओके तो इंडिया में अगर आप आज भी देखोगे नॉर्थ एंड साउथ ये जो डिवीजन है ये आपको क्लियरली पता चलेगा कि आर्यंस है नॉर्थन में द्रविडियन लोग हैं साउथन में एंड दोनों के स्कॉलर लोगों में ऑर्डिनरी लोगों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा वो तो एकदम फालतू चीजों के ऊपर झगड़े करते रहते हैं बट एक स्कॉलरली डिबेट होती है कि आर्यन सिविलाइजेशन क्या था द्रविडियन सिविलाइजेशन क्या था इसमें द्रविडियन लोग जो हमेशा क्लेम भी करते कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डर सिविलाइजेशन है और हमारा तमिल लैंग्वेज ओल्डर लैंग्वेज है सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू सकम अगेंस्ट द नॉर्थन बेल्ट जो आज के लिए हिंदी बेल्ट है जिसको आप कंसिडर करोगे हिंदी लैंग्वेज इंडिया में सेवनटीन एटीन सेंचुरी के बाद में आई है उसके पहले देर वॉज नो सच लैंग्वेज एज हिंदी बट आज के लिए तो हिंदी ऑब्वियसली नॉर्थन बेल्ट की प्राइमरी लैंग्वेज है तो ये जो झगड़े हैं तो ये इंटरैक्शन का एक पार्ट है और ये इंटरेक्शन से यही बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ये जो झगड़े जो है वो एज ओल्ड है आज के नहीं है बट विथ इन दिस को और ये एंशियन टाइम से चला आ रहा है और इसको हम लोगों को आगे बरकरार रखना है वी डू नॉट वॉन्ट टू गो टू दैट एक्सटेंड जहां पर नॉर्थ एंड साउथ के झगड़े इतने गंदे हो जाए कि इंडिया का कोई ब्रेकेज हो गए नॉर्थन एंड साउथर्न डिबेट जो है ऐसा ही एक डिबेट अमेरिका में भी हुआ था सिविल वॉर जिसे बोला जाता है अब्राहम लिंकन ने नॉर्थन एंड स्टेट को स्टेट में अल्टीमेटली ही लेड द द वॉर एंड अल्टीमेटली ही यूनिफिकेशन तो वैसे ही इंडिया में भी ये जो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिवीजन है वो एजोल डिवीजन है झगड़े पहले से ही चल रहे हैं बट झगड़ों का एक लिमिट होता है वो लिमिट कभी क्रॉस हमें नहीं करनी है तो इंटरक्शन एंशियन टाइम से हो रहा है इंटरक्शन जहां जहां पे होगा Conflicts are bound to happen, but conflict का जो है एक peaceful resolution होता है है. एक एक होता होता और उसका एक limit होता है. तीसरा रिलीजन इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री राइट सो जो इंडिया इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब ये डिबेट हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी, भी तो मेजोरिटी हिंदू लोग थे तो उन्होंने इंडिया को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया

तो वी कैन नॉट ट्रेस इवन अ सिंगल पीरियड इन आवर हिस्ट्री जहाँ पे यू कैन क्लेम कि भाई इंडिया हिंदू कंट्री था और अगर हम लोग हमारे हिस्ट्री में कभी ये चीज़ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं देन वी डू नॉट हैव एनी राइट टू चेंज दैट एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर हम लोगों को वही कल्चर जो एनशियट टाइम से चला आ रहा है उसको कंटिन्यू रखना है तो एनशियट टाइम में हिंदुज़म जैनिज़्म बुद्धिज्म ये तीनों साइड बाय साइड फ्लरिश कर रहे थे ओके तो हम लोगों को अभी भी यही कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ानी है अदरवाइज क्या होगा एक रिलीजन का डोमिनेंस बढ़ेगा कंजर्वेटिज्म आ जाएगा लिब्रैलिटी कम हो जाएगी और अगर कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है देन दैट इज़ ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी राइट तो ये सारी जो चीज़ें अगेन वो हमें कौन सिखाता है एनशियट इंडियन हिस्ट्री सिखाती है तो आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि इंटरेक्शन कैसे हुआ रिलीजन के डेवलपमेंट कैसे हुए पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहाँ से आया ये इंडिया में कैसे डेवलप हुआ तो ये सारी चीज़ें फिर नेम ऑफ द कंट्री ओके okay, तो भारतवर्ष इंडिया को भारतवर्ष बोला जाता है सिंपल बट भारतवर्ष जो है वो आधुनिक नाम है दैट इज नाइनटीन सेंचुरी का नाम है नाउ एस सच वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों को तीन नाम मिलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो तीन टर्म मिले वो जाम्बू द्वीप आर्यवर्त एंड भारतवर्ष तो जाम्बूद्वीप इज बेसिकली द एशियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा उसमें आर्यवर्त है <coughs> तो आर्यवर्त कौन सा है जो रफली नॉर्थन इंडिया है वो एंड फिर एक भारतवर्ष का कंसेप्ट हम लोगों को वेदिक मिलता है ये भारतवर्ष मतलब रफली अभी का अफगानिस्तान काबुल कंधार वाला एरिया से लेके नीचे कन्याकुमारी ये है भारतवर्ष का कंसेप्ट ये सेम भारतवर्ष का कंसेप्ट हम लोगों को लेटर ऑन मिलता है आचार्य चाणक्य के राइटिंग में तो आचार्य चाणक्य ने भी तो भारतवर्ष का उल्लेख किया था

ओके okay, तो यही हिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़नी है कि भाई भारतवर्ष का जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट एक्चुअल में बन क्यों नहीं पाया दो ढाई हजार सालों तक बिकॉज ये कंसेप्ट आर्यन का कंसेप्ट था आर्यन वेयर द ट्राइब विच हैव अराइव्ड इन टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड तो मतलब जो इंडिजीनियस लोग थे वो इंडिजीनियस लोग इसको हमेशा काउंटर करते थे बट अल्टीमेटली अशोका वो हिमसेल्फ कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द आर्यन अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया को एक बनाया ओके okay? इट वॉज अशोका जिसने पीसफुल को एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट इंडिया में पहली बार लाया अनफॉर्चुनेटली ये बाद, बाद में कभी किसी ने फॉलो नहीं किया तो ये भारतवर्ष वाला जो कंसेप्ट है ये वैदिक एज ऑनवर्ड वर्ड इंडिया में कैसे डेवलप हुआ वो भी हम पढ़ेंगे इन द लेक्चर फिर जियोग्राफी ओके okay? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को मिलती है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष का एरिया है तो भारतवर्ष के जो ये एरियाज है उनकी जो ज्योग्राफी है ओके वाल ज्योग्राफिकल स्ट्रेच फ्रॉम हिमालय टू सी वॉज व्यूड एज वन एंड अथॉरिटी ओवर दिस लैंड वे कॉल्ड एज चक्रवर्तीन मौर्यन गुप्ताज रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट ड्यूरिंग द एशियन कॉन्टिनेंट तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो खुद को चक्रवर्ती बुलाते हैं बट ये जो कंसेप्ट है चक्रवर्ती का मतलब आपको कहां से कहा तक रूल करना है हिमालया से लेके सीस तक तो ऐसे वाले जो राजा है इंडिया में वो यू कैन से अनफॉर्चुनेटलीट ओनली एक ही है दैट इज अशोका तो अशोका इज बेसिकली द ट्रू चक्रवर्ती इन वी कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम अशोका एक दो राजा और है बट उनके ऊपर थोड़े डिस्प्यूट है फॉर एग्जाम्पल समुद्र गुप्ता इज देयर तो समुद्र गुप्ता ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिख के रखा है कि भाई मैंने साउथ इंडिया कैप्चर किया है बट वो डिस्प्यूटेबल है बिकॉज़ हम लोगों को एस सच कोई एविडेंसेस नहीं मिले तो वो बाद में देखेंगे बट ये चक्रवर्ती किंग का जो कंसेप्ट है बट भारत रत्न भारतवर्ष सॉरी बट ये जो भारतवर्ष है ये किसके अंडर आएगा इसके ऊपर हमेशा झगड़े होते थे तो मगध जो है, वो बोलती थी कि भारतवर्ष हमारे पास चाहिए तो वैसे ही और भी तो डायनेस्टीज थी राइट तो कौन सी कौन सी और डायनेस्टीज थी एंशियंट टाइम में यू कैन क्लियरली नेम फ्यू सो फॉर एग्जाम्पल कोशाला डायनेस्टी वॉज देर वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अवंती वॉज देयर वैसे ही फॉर एग्जाम्पल गांधारा वॉज देर तो हर एक जो किंगडम था बेसिकली उनका वही कहना था कि भाई ये भारतवर्ष हमारे अंडर होना चाहिए तो दे वर आइडेंटिफाइंग विद द कांसेप्ट ऑफ भारतवर्ष बट वो भारतवर्ष को किसके नीचे रखना चाहते थे अपने राज के नीचे रखना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली सी इवन व्हेन पहले मौर्यंस एंड देयर आफ्टर गुप्ता जो दोनों मगध के ही राजा थे इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कब्जा जरूर कर लिया बट दे नेवर नेम देयर किंगडम एज़ भारतवर्ष वो अपने टेरिटरी को मगधन टेरिटरी या फिर गुप्ता टेरिटरी ही बुलाते थे गॉट इट तो कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष वाज देयर बट दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या फिर पैट्रियोटिज्म की भारतवर्ष सबसे बड़ा है ये नहीं था ओके दे वांटेड देयर राज ओवर द भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष का कांसेप्ट कहीं ना कहीं पे तो उनके लिए छोटा था तो ये वाला इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे देयर आफ्टर रोल ऑफ फॉरेनर ओके

वो जब इंडिया पे इन्वेड करते थे तो इंडिया के बारे में बाहर भी इंफॉर्मेशन फैल जाती थी एंड इन दैट कैपेसिटी फिर बाहर के भी बहुत सारे लोग इंडिया में विज़िट करने आते थे एंड इन दैट कैपेसिटी ओके हमारे पास बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए ओके okay, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के नाम तो आपको पता भी होंगे जैसे अगर ग्रीक ट्रैवलर की बात करें तो मेगास्थिनिस इज़ देयर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करें तो यून सेंग फ़ फ़ाहिन इज़ देयर फाहिन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आया था देर आफ्टर यून सेंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था तो इन लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ चीज़ें लिख के रखी थी वैसे ही कुछ अरेबिक ट्रैवलर भी थे ओके जिसमें सुलेमान का नाम सबसे ज़्यादा आता है सुलेमान इज देर अलमसूदी इज देर तो इन लोगों ने भी इंडिया के बारे में लिख के रखा था एंड अल्टीमेटली इट वॉज़ अरेबियन ट्रैवलर देंसेल जो इंडिया को हिंद कह के बुलाते थे ये हिंद के पीछे भी एक स्टोरी है ये स्टोरी क्या है कि एंशियन टाइम में जब हरप्पन सिविलाइजेशन जब थी तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो ओके वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉटन प्रोवाइड करने का काम करती थी एंड डेर आफ्टर गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम जो है तो गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में आर्यभट्ट ने न्यूमेरिकल सिस्टम डेवलप की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम ही आर्यभट्ट ने डेवलप की तो ये भी सिस्टम हमने अरेबिक लोगों को दी तो अरेबिक लोग पहले कॉटन को ओके हमेशा एंडर आफ्टर फिर इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम इन दोनों को ये लोग क्या बोलते थे तो हिंदसा बुलाते थे हिंदसा मतलब सिंध से आई हुई चीज बट ये सिंध से आई हुई चीज का मतलब क्या हुआ तो सिंध का मतलब हुआ हिंद क्यों अरेबिक प्रोनासिएशन में उस टाइम में एंशियन टाइम में कभी बोला नहीं जाता था स को हमेशा ये लोग क्या करते थे ह करते थे इट तो स का ह हो गया तो सिंधु का हो गया हिंदू एंड दैट्स वे सिंधु में जो लोग रह रहे हैं उनके कल्चर का एंड रिलीजन का भी नाम पड़ गया हिंदू तो ये जो अल्टीमेटली इंडिया का जो दूसरा नाम है दैट इज़ हिंदुस्तान वो भी हम लोगों को अरेबिक ट्रेवलर से ही मिला है तो रोल ऑफ फॉरनर इज ऑल्सो क्वाइट यूज एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ आवर एनशियट पास्ट एंड कल्चर इज कंसर्न एंडर आफ्टर फिर लैंग्वेज तो आज हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं ओके सो फॉर एग्जाम्पल माई मदर टंग इज मराठी योर मदर टंग माइट बी हिंदी सम अदर पर्सन माइट बी देर जिसका मदर टंग होगा तमिल तो इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेज जो वो इंडिया में आई कहाँ से एक जमाने में तो हमारे पास सिर्फ प्रकृत पालियन संस्कृत यही लैंग्वेज हुआ करती थी तो डेवलपमेंट ऑफ़ द लैंग्वेज जो है इंडिया में जो आज आपकर हमारे पास है एंड विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव फैक्टर मतलब जिसके वजह से सबसे ज्यादा झगड़े भी आज इंडिया में होते हैं तो वो वाली जो चीज़ है वो भी कैसे इवॉल्व हुई एंड अल्टीमेटली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी लैंग्वेज का एक ही मूल है तो भले ही आपका और मेरा लैंग्वेज सेम होगा बट समवेयर डाउन द लाइन वी कैन ट्रेस इट ईदर टू द प्रकृत और टू द पाली और टू द संस्कृत तो हमारे एंसेस्टर सेम है भले ही हमारी आज की लैंग्वेज डिफरेंट रहेगी तो भी झगड़े करने की ऐस कोई ज़रूरत नहीं है तो अल्टीमेटली ऑल दिस फैक्टर्स जो है वो हम लोगों को कहाँ से पता चलते हैं दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री तो हिस्ट्री दैट इज़ एनशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ समझ में आएगी दैट वॉट एवर दैट वी आर टू इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर जो एनशियट पीरियड से अब तक डेवलप होते हुए आ रहा है एंड दैट्स देट यू शॉल ऑलवेज स्टडी हिस्ट्री अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे देन यू थिंकिंग विल बी कि भाई हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए अखंड भारत ही होना चाहिए ओके ऑब्वियसली बोलने के लिए कहने के लिए चीज़ें अच्छी है बट होंगी क्या एब्सोल्यूटली नहीं होंगी और ये क्यों नहीं होंगी बिकॉज हमारी हिस्ट्री हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इस बारे में बताती है तो देर आर सर्टन आइडियाज जिसको आपको थोड़ा सा दूर ही रखना है एक्सट्रीमिटी आपके अंदर जो है उसको आपको दूर रखना है और आपको ये प्रोसेस को समझना है कि एग्जैक्टली exactly इंडिया जो आज है वो क्यों है और वो कैसा बना है एंड दैट इज वॉट आवर एंटायर पास्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि इंडिया के जो एपिक है ओके बेसिकली यू कैन क्लियरली कंसिडर रामायण एंड महाभारत तो ये जो रामायणा एंड महाभारत जो है ओके okay, वो कैसे डेवलप हुआ देर आफ्टर इंडिया में वर्णा सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम दैट इज जाति सिस्टम ये कैसे डेवलप हुई एंड देर आफ्टर रिलीवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट मतलब पास्ट की बहुत सारी ऐसी ऐसी, ऐसी चीज़ें जो है वो मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों को हेल्प करेंगी तो बेसिकली ऑल दिस एस्पेक्ट जो है फ्रॉम द हिस्ट्री इज समथिंग दैट वी कैन गेट टू नो एंड जब आप ये समझोगे तभी आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि एक कॉम्पोजिट कल्चर डेवलप हुआ है और ए कॉम्पोजिट कल्चर दैट इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियस वे इज द ओनली वे फॉरवर्ड तो आर एस शर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है इज टेलिंग अस ऑल दिस थिंग्स ओनली और यही है दो तीन पेजेस वाला ही चैप्टर है बेसिकली सो दैट विल बी इट देन ओके सो आई होप मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्ट्री आपको क्यों पढ़नी चाहिए That is the basic crux of the first chapter. So in this chapter, guys, what we have seen is starting from the बेसिक एस्पेक्ट कि एग्जैक्टली ये टाइम लाइन सेंचुरी क्या है से लेके एनशियट मीडियावल मॉडर्न क्या है फिर एग्जैक्ट एनशियंट हिस्ट्री की टाइम लाइन क्या है एंड आफ्टर कि इम्पॉर्टेंस क्या है एनशियट हिस्ट्री आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि आपको बहुत सारे अभी के जो आपके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स आपको मिले तो दिस इज समिंग फ्रॉम माई साइड अल्टीमेटली वही है कि अगर आपको ये वाला जो कंटेंट है वो चाहिए यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल टेलीग्राम में सी एस ए नागरे आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि लेक्चर के पहले ही आई एम गोइंग टू अपलोड बोथ द कंटेंट दैट इज वो पी डी एफ बी एंड ये भी ओके तो टूअर्स द एंड गाइज थोड़ा बहुत प्रमोशन तो बनता ही है राइट सो एट स्टडी आई क्यू व्यू ऑलवेज बिलीव इन अफोर्डेबल एजुकेशन तो आप सबको तो पता ही होगा कि ऑफलाइन मार्केट जो है ओके इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव वन मैंने एक छोटा सा शॉट भी बनाया था इसके ऊपर कि डिस्पाइट स्कोरिंग 300 प्लस इन हिस्ट्री ऑप्शनल वाई आई फेल यार टाइम बहुत वेस्ट हुआ ओके तो बहुत प्लेन एंड सिंपल चीज़ है कि पहले दो से तीन अटेम्प्ट जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन में समझने में ही चले गए तो भले ही मैंने बाद में जाके दो इंटरव्यूज़ दिए बट अल्टीमेटली उसका फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज क्रूशल टाइम पीरियड जो होता है वो इनिशियल फेज ही होता है अगर आपका फाउंडेशन वीक रहेगा तो वो नॉलेज ले ना कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा आई एल गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो तो टू थाउजेंड एंड थर्टीन में आई हैड गिवन आई बी ए सी आई ओ वाला इंटरव्यू एंड एट दैट टाइम तो मैं बहुत छोटा था आई एल नॉट टेल यू द एज बट आई वॉज वेरी यंग एज एट दैट टाइम तो दिल्ली कभी आया नहीं था मैं टू थाउजेंड थर्टीन के पहले मुंबई में था एंड मुंबई में एग्जाम वगैरह हो गई इंटरव्यू का कॉल आया उठ के चला आया तो इंटरव्यू पैनल में मेरे सामने जो बैठे थे वो नॉर्थ इंडियन थे एब्सोल्युटली आई वाज फ्रॉम द यंग किड का तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे वही पूछा कि भैया शिवसेना और एमएनएस जो लोकल लेवल पे कर रहा है वो सही है कि नहीं ओके एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री मच बैक देन कि भैया मतलब क्या आंसर दो क्या दो आंसर दैट आई गेव एंडेड आउट टू बी इन सपोर्ट ऑफ एम एन एस एंड शिवसेना की सर जो लोग हो रहा है वो लोकल लोकल के बेनिफिट के लिए हो रहा है बट इन द प्रोसेस आई अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द यूनिटी आई अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई ऑल्सो अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द एंटायर इंडिया इट सेल्फ राइट सो यूनिटी वाला कंसेप्ट ही मिस आउट हो गया तो ये जो एक्सट्रीम वर्जन ऑफ ओपिनियन होते हैं ना वो हर एक कैंडिडेट में होते हैं इन द इनिशियल फेज और अगर वो आपको अपने से निकालना है ना तो आपको एक फाउंडेशन हमेशा ठीक से करना ही पड़ता है तो वो फाउंडेशन आपका परफेक्ट कब होगा जब आप एक कोई तो अच्छा फाउंडेशन कोर्स करोगे विच अनफॉर्चुनेटली आई नेवर डिड आई हैड टू पे फॉर एटलीस्ट थ्री अटैम्प्ट माई फर्स्ट थ्री अटैम्प्ट की मुझे सब चीज़ें फिर खुद समझने में ही चली गई कि एक्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो वैल्यू सिस्टम एक सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट में होती है वो कैसी डेवलप करनी है तो इसके लिए आपको मैंटर लगेगा उसके लिए आपको नॉलेज लगेगा उसके लिए आपको एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट लगेगा ये सारी चीज़ें जो है ओके दोज आर द थिंग्स डेट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू इन आवर जी एस फाउंडेशन कोर्स तो अब टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री डेट इज़ नेक्स्ट ईयर वाला जो बैच है हमारा वो तो अभी क्लोज हो चुका है बट दिस इज़ समथिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर सो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच इफ यू आर यंग कैंडिडेट एस्पायरेंट ऑफ द यू पी एस सी सिविल सर्विसेज एंड अगर आपको आपका फाउंडेशन अच्छा करना है और वो गलतियाँ है जो मैंने की थी तो आपको ये वाला फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज माई कोड दैट इज़ एस एन लाई वी विल बी स्टार्टिंग ऑन फोर्टींथ ऑफ नवंबर I'll be taking certain lectures of history in this batch also. So if you want to study history in more detail in more depth and more understanding way, there is a direct conversation or guidance So feel free to join this batch and definitely okay, you are going to get through this examination. So this is something related to the batch of GS Foundation that we are launching. तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइड्स ओके आज के लिए फर्स्ट चैप्टर था इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा खींचा डेढ़ घंटा खींचा इट वॉज एक्सपेक्टेड बट कल से आई एस ट्राई टू रिस्ट्रेन इट टू द थर्टी टू फोर्टी मिनट चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे डेली बेसिस पे मैं एक ही चैप्टर लूंगा लेक्चर विल बी लाइव बट कुछ कुछ लेक्चर जो है वो आपके प्रीमियर भी होंगे दैट इज नॉन लाइव मोड में भी चलेंगे आई लेट यू नो कि कौन सा वीडियो जो है वो नॉन लाइव मोड में दैट इज़ प्रीमियर मोड में है सो आई टेक यूर डाउट्स इफ यू आर फाइनली हैविंग एनी डाउट तो अब जस्ट शूट इट अवे ठीक है जस्ट शूट इट अवे एनी डाउट दैट यू आर हैविंग ठीक है सिंपल भाई फाइव मिलियन ओल्ड मत बोलो ओके लोन सर बता नहीं आपका नाम क्या है बट फाइव मिलियन नहीं है एक मिलियन का मतलब होता है दस लाख ठीक है तो अगर आप 5 मिलियन बोलोगे तो 50 लाख यार 50 लाख साल पहले तो इंसान क्या कर रहा था वो भी हमको नहीं पता 20 लाख साल पहले मतलब 2 मिलियन ईयर्स के आगे तो हम लोगों को चीजें पता चली है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो हम लोगों ने अभी हमने मैंने आपको बताया था राइट वो कहां पर है तो हार्डली 3000 साल पहले ओके यू कैन कंसीडर अप 2100 मतलब 2000 एडी चल रहा है 2022 चल रहा है तो आज से रफली यू कैन कंसिडर की चार हजार साल पहले से लेकर साढ़े तीन हजार साल पहले तक इंडस वैली सिविलाइजेशन था ठीक है सिंपल यस ओके तो वो जो कैसे कोराबोरेट करना है वो लेक्चर में देखेंगे हम लोग तो जाएंगे अब तो हर एक लेक्चर में हर दिन हम लोगों को मिलना है देन वी कैन डेफिनेटली गो सो डोंट वरी ठीक है यस यूनिटी इन डाइवर्सिटी ठीक है यार इसके बारे में ना इन लोगों ने लिख के नहीं रखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने जैनिज़्म अपनाया था अशोका ने भी ओके आफ्टर टेन टू ट्वेल्व इयर्स आफ्टर ही बिकेम द किंग मतलब कलिंगा वॉर के बाद में ही उन्होंने जो है बुद्धिज़्म अपनाया था तो दे नेवर स्टेटेड कि इसके पहले उनका रिलीजन क्या था तो आप मानना है तो मान सकते हो कि दे माइट बी द वैदिक रिलीजन पर्सन मतलब हिंदू हो सकता है बट कोई एविडेंसेस हम लोगों को इसका नहीं मिला है ओके okay? यस yes. लिंगुआ फ्रेंका मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ द पीपल तो मतलब एक सिंगल लैंग्वेज जो आप सारे लोगों को बाइंड करेगी इसको आप बोलोगे लिंगुआ फ्रेंका मतलब एक कॉमन लैंग्वेज जैसे इंडिया में अभी डिबेट चल रहा है कि इंडिया का लिंगुआ फ्रेंका क्या होना चाहिए इंग्लिश या फिर हिंद हिंदी तो नॉर्थन बेल्ट में आपको हमेशा डिबेट मिलेंगी कि हिंदी ही होनी चाहिए साउथन बेल्ट वाले जो है कि उनका लैंग्वेज पूरे इंडिया में चलेगा नहीं तो दे दे मोर मोर आर फेवरेबल टूअर्ड द इंग्लिश तो लिंगुआ फ्रैंक का मतलब जो कॉमन लैंग्वेज जो पूरे कंट्री में सबको आनी चाहिए ओके यस yes. स्काइथियंस मतलब शका तो शका इंडियन नाम है उनका जो एक्चुअल नाम है ट्राइब का वो स्काइथियन है वैसे ही कुशानाज आपने सुना होगा तो कुशाना इनका इंडियन नाम है इनका एक्चुअल नाम है वो येउची है तो ये ट्राइब्स आर बेसिकली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इंडिया में आने के बाद उन्होंने कुशानाज नाम है वो अडॉप्ट किया था ठीक है सारों के लिए यूजफुल रहेगा ये एंशियंट हिस्ट्री है सारी चीजें आई एम गोइंग टू तो कवर इन डेप्थ तो सारे कोई भी पीसीएस हो यूपीएससी हो या फिर इवन आप एसएससी सीजीएल या फिर सीडीएस भी देना चाह रहे हो तो इट विल बी यूजफुल बिकॉज दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स मोर एंड फिर आपको जो है मैंने दूसरे टाइप के नोट जो प्रोवाइड किए हैं ओके कहा गए एक मिनट ये वाले जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं ओके ये जो दूसरे टाइप के इसमें आपको ये जो कीवर्ड दिख रहा है ओके तो ये जो कीवर्ड्स कीवर्ड्स वाला जो फॉर्मेट है वो आपको मेन एंसर राइटिंग में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा सो सारे एग्जाम बीट प्रम्स या फिर मेन्स सब में आपको ये हेल्प देगा ठीक है ये रोज होगा शाम को, शाम को सेवन ओ क्लॉक आई एल बी कमिंग ओके लाइव डोंट वरी ओके इट विल हैपन डोंट वरी ठीक है चलो देन थैंक यू सो मच गाइज नो मोर डाउट्स आर देयर सो वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग ठीक है आपको ये दोनों टाइप के जो नोट्स है एक ये और पीपीटी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आई एम अगेन शोइंग इट टू यू जो टेलीग्राम ग्रुप है ठीक है उसका लिंक जो है लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगा बट जस्ट सर्च फॉर इट्स यद साइन इन नागरे एंड यू विल गेट इट तो आपको एक कंटेंट भी मिल जाएगा ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको आसानी होगी ठीक है यस एब्सोल्यूटली कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ भारतवर्ष यार ठीक है सेवन ओ क्लॉक एवरी डे ठीक है पेड नहीं है ओपन है फ्री है कोई पेड नहीं है डोंट वरी ठीक है इट विल बी ओपन लाइव सेशन एवरी डे कोई पेड नहीं है ये ओके सिंपल ठीक है ओके okay? यस yes, मैंने पहले ही बताया सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ओके सिंपल सो आई होप दैट विल बी इट देन ओके सो विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर देन गाइज ठीक है हाँ अभिषेक पेड सब्सक्रिप्शन के आगे भी कुछ लिखोगे राइट right? कुछ लिखोगे कि नहीं पेड सब्सक्रिप्शन के आगे राइट हाँ पे गया हाँ तो पेड सब्सक्रिप्शन के आगे कुछ लिख लिखोगे तो मैं कुछ आपको दे आंसर ठीक है सो रेस्ट ऑफ द डाउट्स तो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं ठीक है यस आई होप इट क्लियर ठीक है ओके okay? एनीथिंग चलो कोई डाउट नहीं है सो आई एल बी वेटिंग ठीक है थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच कर देना पंद ओके विल मीट टुमारो सेवन ओ क्लॉक थैंक यू गाइज ओके